बच्चों आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ का प्रश्नावली 1.4। पिछले वीडियो क्लास में हम लोग 1.1 से लेकर 1.3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, वो प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए जी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग का यहाँ पर कहता है प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कहता है जी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव शांत है या अशांत आवृत्ति। तो शांत होने के लिए जो इसका हर का जो गुणनखंड होगा ये आप लोग का 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी संख्या का पावर आया तो वो शांत नहीं होगा। जैसे में हम यहाँ पर लिए फर्स्ट क्वेश्चन 13/31/25 है ना, मतलब 3125। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, किसके हर का गुणनखंड करेंगे। दो विधि होता है, ठीक है, या फिर आप दशमलव विधि से बनाइए या फिर इसके हर का गुणनखंड कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर 5 से लगाते हैं तो 625 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे 125 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे क्या आएगा जी 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 13 पावर में 5 का पावर 1 2 3 4 5 5 है, मतलब 5 एक पावर में है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। मैंने बताया अगर हर का गुणनखंड जो है ये 2 का पावर और 5 के पावर का रूप है तो ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा जी, शांत, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, समझ गए, शांत आवृत्ति होगा। अब हम लोग इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा है 17/8। तो यहाँ पर हम लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं 17/8, इसके हर का गुणनखंड कीजिएगा, 8 को 2 बार में लगाइए 4 आ जाएगा, फिर 2 बार में लगाइए 2, यानी कि 17 2 का पावर 3, 2 एक का पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। अगर यहाँ पर दूसरा कोई संख्या रहता 2 और 5 के अलावे तो ये अशांत हो जाता, लेकिन ये क्या है, शांत है, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा देखिए 64/455, तो इसको नोट करते हम लोग 64/455, इसको नोट कर लिए। अब 455 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे तो 5 13 यहाँ पर कितना आएगा जी 5 5 9 45, 9 5 1 5 91, फिर यहाँ पर 7 से लगाएंगे तो 13 आ जाएगा, 5 से लगाए फिर 7 से लगाए, यानी कि ये जो होगा ये अशांत होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 5 भी है लेकिन 7 13 दोनों आ जाता है, 7 13 आ जाता है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति। ये इसकी आवृत्ति कहती होगी अशांत आवृत्ति, ठीक है। तो आप लोग जो हैं ये सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और हम बताते हैं, जैसे मैं 4 नंबर क्वेश्चन 15/1600, तो 1600 का हम लोग हर गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 2 से लगाएंगे पहले तो 800 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 400 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 200 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 100 आएगा, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे आप लोग का 50 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर क्या 5 का पावर 2 है, 2 और 5 यही दोनों का पावर है, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आवृत्ति होगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है जी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है, ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 343, तो इसका क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसका 7 का पावर 3 आ जाएगा, ये अशांत होगा। उसी प्रकार ये क्या होगा, अशांत होगा, ये क्या हुआ जी, ये शांत होगा, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा ये क्या होगा जी, शांत होगा। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप लोग है ना 50, इसका आप लोग कीजिएगा, फिर आप लोग इसका कीजिएगा तो ये भी शांत आएगा, और इसका कीजिएगा तो ये अशांत आएगा, क्या आएगा, अशांत आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो जो भाई शांत था ना उसको आप लोग को चुनकर लिख देना है, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, सारे को लिख दिया, जिसका जिसका शांत था सारा को हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन कहता है, उच्च वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, या परिमेय संख्या है तो पी बटा क्यू के रूप की है कि नहीं, क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि संख्या जो है ये बार बार रिपीट भी हो रहा है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए जैसे 3 का 1 का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये है 43.12,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये इसमें से कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत हुआ। क्या हुआ जी? शांत हुआ। अब बोलता है इसको आप लोगों को क्या पढ़े, आप लोगों को भिन्न में बदलना है, ठीक है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को ऊपर कर देंगे और दशमलव उड़ाएँ इसके बदले एक देंगे और जितना संख्या उतना जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दशमलव के बाद जितना संख्या था उतना जीरो दे दिए। तो इस प्रकार आप लोग को बना लेना है, ठीक है ना जी। तो आप लोग इस सारों को बना लीजिएगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक दो जीरो, एक दो जीरो, एक फिर उसके बाद जीरो वन टू, फिर यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये अशांत होगा, ठीक है जी। कैसा होगा? अशांत होगा। इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखना है। अब जैसा ये दिख रहे हैं इसके ऊपर सारे का रेख रहा है, रेख का मतलब होता है ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो बार बार रिपीट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अटकाने के लिए जितना यहाँ पर जिसके ऊपर रेख रहे हैं ना, जिस संख्या के ऊपर, उतना नौ दे देंगे। जैसे एक नौ वो संख्या के ऊपर रेख रहा है तो नौ वो नीचा में नौ दे देंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस प्रकार आप लोग का ये भी प्रश्नावली समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब के लिए धन्यवाद।